शुरू करते हैं। ठीक है, सो अपन बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आखिर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट से कैसे रिलेटेड है, क्या है। ठीक है, देखो होता क्या है, होता ये है कि बहुत सारे सॉलिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, कंडक्टर होते हैं। बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बहुत सारे सॉलिड्स जो है वो सेमी कंडक्टर होते हैं। अब जरा इसको समझते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। देखो, कंडक्टर का मतलब ये हुआ, एकदम मोटा मोटी समझना है आपने को, ठीक है, ज्यादा माथा पिची नहीं करना, जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मतलब ना के बराबर फ्लो हो, या अगर हो तो बहुत 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 मुश्किल से हो, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, और कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत 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 मुश्किल से होता है, थोड़ा मुश्किल से होता है लेकिन बिल्कुल आसानी से भी नहीं होता, ना बीच की कहानी है, थोड़ा मुश्किल से होता है लेकिन बिल्कुल आसानी से भी नहीं होता, स्टेटमेंट को ध्यान देना। ठीक है, सो उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर की जगह पे बहुत जगह पढ़ोगे तो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज पुअर कंडक्टर। बात वही है, पुअर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो, दैट इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, चलो तो अपन जरा फटाफट से इस पे एक बार गौर फरमा लेते हैं, जरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो कंडक्टर को अब बात यह है कि यार ये कैसे पता चले, मतलब ठीक है अब ये बहुत 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 मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत 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 तो हर किसी के हिसाब से बहुत 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 अलग होगा। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि भैया ये कहानी कैसी है। ठीक है, ये कैसे, ये हम कैसे डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, कि भैया कौन कैसा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, नहीं है, क्या, ये कैसे डिटरमाइन कर पाए। भाई ये डॉट वाला कौन है, भाई जो भी है ये डॉट वॉट वाले जो भी लोग हो, अपना नाम मतलब ओरिजिनल रखो, ये गलत बात है। ठीक है, चलो ओके, तो परेशानी होती है, फाइन। ठीक है, सो नहीं रोशन ध्यान दो यहाँ पे। सो एक तो हो गया कंडक्टर, जो आसानी से जाने दे, सेमी कंडक्टर थोड़ा मुश्किल, इंसुलेटर बहुत ज्यादा मुश्किल, और इंसुलेटर के लिए हम पुअर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर के लिए इंसुलेटर को बोलते हैं कि इट इज अ पुअर कंडक्टर। याद करो एक बार इस टॉपिक के साथ क्लास में भी डिस्कशन मैंने किया था। सो इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, इंसुलेटर से हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है, तो तुम हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज इंसुलेटर। ठीक, अब जैसे मान लो अपने पास जो एयर है, एयर को हम बोलते हैं कि इंसुलेटर है, लेकिन क्या बिजली जब लाइटनिंग होती है तो बिजली आती है ना, जमीन पे गिरती है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास हुआ, कहीं चार्ज चला मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, चार्ज चला तभी तो गिरती है। ठीक है, सो इंसुलेटर के लिए हम पुअर कंडक्टर वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, मोटे तौर पे सीधा ऐसी बात है, जहां से पास हो सकते हैं आराम से कंडक्टर, थोड़ा मुश्किल सेमी कंडक्टर, बहुत ज्यादा मुश्किल इंसुलेटर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे, मैथमेटिकली हम कैसे इसको बता पाए। So, कहते क्या है कि भैया कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी आप फिजिक्स में आई गेस क्या चल रहा है, कैपेसिटर चल रहा है क्या, वन अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किससे डिफाइन, अच्छा चलो पूरा ही लिख देता हूँ, तो जिसकी, अब देखो बचपन में हम क्या पढ़ते थे, बचपन में हम पढ़ते थे कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, फॉर्मूला तो यही हुआ करता था, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ करता था, रो एल बाई ए। तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्ट करने की मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी कम। कंडक्टिविटी उसका उल्टा है, मतलब क्या है कि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो गुड कंडक्टर होगा, जिसका कंडक्टिविटी कम होगा वो बैड कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी में उल्टा होता है, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा वो बैड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टिविटी कम ये गुड कंडक्टर। ठीक है, तो हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो हम कहते क्या है कि अगर कंडक्टिविटी 10^4 से लेके 10^7, ये पावर में है, 10^4 से 10^7 के रेंज में अगर कंडक्टिविटी है,
तो दैट इज अ कंडक्टर। अगर कंडक्टिविटी 10^-20, ध्यान देना, 10^-20 से लेके 10^-10 के रेंज में है तो दैट इज ए इंसुलेटर। और अगर कंडक्टिविटी जो है वो इस रेंज में है, मतलब 10^-6 टू 10^-4, ठीक है, इस रेंज में है तो हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये एक मोटा मोटी एक आइडिया है, ऐसा नहीं है तुम ये मत बोलना कि सर भाई एक बात बताओ, यहाँ 7 है यहाँ 4 है, 10^5 होगा तब किसको किस में रखिएगा। तो ये एक बस जनरल आइडिया के लिए, सर 10^5 तो इसमें आ जाएगा, मान लो कोई एक जनरल, जैसे ये 10^ मान लो -7 ले लिया, अब 10^-7 तो ना इधर इस रेंज में आएगा, ना इस रेंज में आएगा, ना इस रेंज में आएगा, तो कहाँ रखें उसको। तो ये नहीं सोचना अपने को, अपने को जनरल आइडिया, बहुत कम है तो इंसुलेटर, सबसे ज्यादा है कंडक्टर, बीच में है तो सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसका यूनिट नहीं समझ में आ रहा कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है जल्दी से बताओ रोशन, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम होता है, पक्का? गुड, ओम मीटर होता है, गुड प्रत्युष, ओम मीटर होता है, ओम नहीं होता, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। सो रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको एक और भी नाम से जानते हैं, ओम इनवर्स के लिए एक और भी नाम यूज किया जाता है, दैट इज सीमेंस, ठीक है, पूछ दिया तो बता दे रहा हूँ, दैट इज सीमेंस। तो इसको सीमेंस के नाम से भी जानते हैं, सीमेंस पर मीटर, तो ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, या MHO भी लिखते हैं इस ओम के जगह पे, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी है रिगार्डिंग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। पावर क्या शो करता है अनुष्का, पावर क्या शो कर रहा है, मतलब अपने को बोला, जैसे पूरा टाइमिंग मान लो, बोला कि कोई एक सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी 2×10^5 है, बताओ ये क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो हम देखेंगे कि भैया ये वाला जो चीज है वो किस रेंज में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा 10^-20, 10^-10 इसमें नहीं आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में भी नहीं आएगा, वो किसके बीच में आएगा, 10^4 तो 10^7 क्योंकि 10^5 है। तो हमको ये पता लगाने का काम आता है कि कोई भी चीज कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर है बाय नोइंग इट्स कंडक्टिविटी, इसीलिए हमें इन रेंज की जरूरत है। डन है, फटाफट छापो, फटाफट से इसको छापो जल्दी से, और जिसको कोई चीज समझ नहीं आई तो फटाक से पूछ लो। इसीलिए ये जो बहुत हार्ड एंड फास्ट वर्ड यूज करते हैं ना कि इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, नहीं, हार्ड एंड फास्ट वर्ड से इससे थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बचना चाहिए, बाकी ठीक है। बहुत जगह देखोगे तो मतलब बोलेगा कि अबाउट, लगभग ना और एग्जैक्ट ना, वही वाली चीज डिफरेंस है थोड़ी सी। क्या किया है, कुछ नहीं है प्रत्युष, कुछ नहीं है, अरे नालायक तू है, निखिल इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, ठीक है, इस पे ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि बताओ मतलब कोई कोई सब्सटेंस दे दिया, बताओ इसकी कंडक्टिविटी क्या है, नहीं है, बस ठीक है, टॉपिक है पढ़ना है, बाकी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्म होता, ठीक है, तो चिल करो, जिस पे क्वेश्चन फॉर्म होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं कि भैया ये कंडक्टिविटी जो है वो आती क्यों है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखो इसका रीजन क्या होता है, कंडक्टिविटी का रीजन क्या है, सो अभी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे मैं नहीं बात कर रहा, ये बाद में, कंडक्टिविटी का रीजन क्या है, कहीं भी कंडक्टिविटी कब आती है, ठीक है, तो पहले समझ लो फिर इसको लिखना। देखो दो तरह की चीजें डिफाइन की गई है किसी भी सब्सटेंस में, अब ये दो कैसे होते हैं इस पर हमको बात नहीं करना, ठीक है, पहले थोड़ा बहुत पढ़े हो इसके इसके रिगार्डिंग। तो बोला क्या जाता है कि दो तरह के अपने पास वहां बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं,
समझ इस पे नहीं जाना क्या बैंड है नहीं है, किसी भी सब्सटेंस में कौन कौन से दो बैंड्स। तो एक है जिसको बोलते हैं, देखो ये जो नीचे वाला है दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दो तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं किसी भी मटेरियल में, किसी भी मटेरियल में दो बैंड एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस का मतलब होता है बाहर वाला, और कंडक्शन का मतलब होता है जिसके वजह से कंडक्टिविटी आती है। सो कहा ऐसे जाता है कि अगर आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ध्यान देना ये आपके पास है कंडक्शन बैंड, क्या हो रहा है, ठीक है ये आपके पास है क्या ये मिल जा रहा है, ठीक है। सो अपने पास दो चीजें हैं, दैट इज कंडक्शन बैंड, पहले इसको समझ लो फिर लिखवा दूंगा मैं, एंड सेकेंड वन इज वैलेंस बैंड। अब क्या कहता है, कहता ये है कि अगर आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम है या ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, ध्यान से सुनना, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम है या ओवरलैप करते हैं, ठीक है, गैप बहुत कम होना, ठीक है, बहुत कम मतलब ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ऐसी कहानी है कि मतलब एक ऐसा है एक बैंड, मान लो एक बैंड ऐसा है और एक बैंड बिल्कुल यहां से टच करते हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी बड़ा हो गया ना तो कहानी बदल जाएगी। तो अगर मान लो कि बिल्कुल या तो ओवरलैप कर जाए और या एकदम एकदम थोड़ा सा गैप हो, थोड़ा सा गैप वाली चीज अगर नहीं भी समझ में आया दिमाग में तो उसको स्किप कर देना, समझ लो कि ओवरलैप कर गया, ठीक है। सो अगर दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसमें दोनों बैंड ओवरलैप करेंगे वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। अगर दोनों बैंड के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप होगा, मतलब ठीक ठाक गैप है, अच्छा खासा गैप है, सो अगर ऐसी कहानी है, मतलब स्मॉल है लेकिन बहुत स्मॉल भी नहीं है, सो स्मॉल गैप अगर होगा तो हम बोलेंगे कि भैया वो सेमी कंडक्टर होगा। अगर दोनों बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लार्ज गैप है, तो हम बोलेंगे कि वो इंसुलेटर होगा या पुअर कंडक्टर होगा। So, यही आपके पास कहानी है तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस, और क्वेश्चन इसी से बस पूछा जाता है कि बताओ किसमें कैसा गैप रहता है, किसमें क्या कहानी रहती है, किसमें ज्यादा बड़ा गैप, किसमें छोटा गैप, किसमें मीडियम गैप, बस इसी से क्वेश्चन आता है और कोई टॉपिक ही इसमें नहीं जिससे क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। सो मैं इसको लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान देना, ठीक है, ये ऊपर वाली चीज को भी फिलहाल छोड़ के मैं यहाँ नीचे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर कंडक्टिविटी, फॉर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के लिए क्या कहानी होनी चाहिए, फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है, पहला पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ बैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल, दो तरह के बैंड्स जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन कौन से दो टाइप के बैंड हैं? सो पहला दैट इज वैलेंस बैंड, ठीक है, दूसरा दैट इज कंडक्शन बैंड, ठीक है, ओके। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होता है, ये ध्यान देना, ये जो गैप होता है ना, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक है, इस गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप, और इंसुलेटर केस में फॉरबिडन जोन नाम से भी जाना जाता है, बट इसको बोलते क्या है, एनर्जी गैप, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, गैप बिटवीन बोथ बैंड्स, बोथ बैंड्स आर कॉल्ड, सॉरी इज कॉल्ड एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है, दो चीज। अब अपन बात कर लेते हैं तीनों के लिए, ठीक है। सो इन कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर में ये कहानी कैसी होती है, सो इन कंडक्टर बोथ बैंड्स ओवरलैप, बोथ बैंड्स ओवरलैप, वो दोनों बैंड क्या करते हैं ना, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, इन ए स्मॉल एरिया, बहुत छोटे जगह में, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएंगे, इन ए स्मॉल जोन, एक छोटे से जोन में
वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। वो कंडक्टर का आर पांच हो गया। चलो नेक्स्ट है अपने पास इन सेमी कंडक्टर। अगर अपने पास सेमी कंडक्टर हुआ तब क्या होगा, ठीक है। सो बोथ बैंड, ये जो दोनों बैंड हैं, बोथ बैंड हैव गैप बिटवीन देम, लेकिन वो स्मॉल गैप होता है, ठीक है। सो हैव स्मॉल गैप बिटवीन देम। बस हमको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लिखवा रहा हूं ना बस यही इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें कुछ है और नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास इंसुलेटर हुआ तो इसके बाद कहानी क्या होगी, इंसुलेटर हुआ तो कहानी क्या होगी, ठीक है। सो भैया इसमें अच्छा खासा गैप होगा, तो बोथ बैंड्स विल हैव लार्ज गैप। Will have large gap. दोनों बैंड के बीच में क्या होगा कि अच्छा खासा गैप होगा, ठीक है। सो अपने पास तीन चीजें हुई, कंडक्टर जिसमें ओवरलैप किया, सेमी कंडक्टर जिसमें कि बहुत छोटा सा गैप था, इंसुलेटर जिसमें अच्छा खासा गैप था। सो ये कहानी हो गई अपने पास रिगार्डिंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। इस लार्ज गैप को इस केस में फॉरबिडन जोन भी कहते हैं, ठीक है, फॉरबिडन, क्या है इसके स्पेलिंग, तो क्या है यार, अच्छा ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया कोई भी चीज कैसे कंडक्टिविटी दिखाता है, किस केस में दिखाता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग। इसमें डेप्थ में नहीं जाना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें चेंजेस कैसे होते हैं, इस गैप से क्या लेना देना, हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना। बस इतना ही ध्यान रखना, ओवरलैप तो कंडक्टर, थोड़ा गैप तो सेमी कंडक्टर, बड़ा गैप तो इंसुलेटर। फटाफट छापो और किसी को कोई समस्या है तो पूछो, और सबसे ऊपर वाली चीज छापने के बाद मुझे बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो लिखा हुआ है। ओ अच्छा, इसीलिए स्पेलिंग गलत हो रहा था, सॉरी, समझा मैं, कुछ उल्टा लग रहा था, सॉरी, ठीक है। कौन है ये, प्रत्युष राज, अच्छा ठीक है, थैंक यू, अरे तू क्लास कर रहा है, ठीक है। हाँ फिगर बनाना है, फिगर जरूरी है अनुष्का, ठीक है। प्रत्युष दोबारा से 12 पढ़ने का मन हो गया क्या, और अगर कुछ ज्यादा ही ओवरलैप हुआ तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। नहीं, सुपर कंडक्टर में एक्चुअली सही तरीके से ये डिफाइंड नहीं होता, सुपर कंडक्टर की कहानी अलग होती है। कह सकते हो काइंड ऑफ कि दोनों, ऐसे बोल लो कि दोनों सेम ही हो जाते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, बट डिफाइंड नहीं है वो। छापो फटाफट से, अरे वो गलती से चला गया था, ध्यान रखिएगा सब कोई, दो तरीके के बैंड है, वैलेंस और कंडक्शन, गैप है बहुत बड़ा तो इंसुलेटर, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर, और ओवरलैप है तो कंडक्टर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि भैया ये बैंड बनते कैसे हैं। सो देखो ये जो बैंड है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना क्वेश्चंस के, बस थोड़ा समझाता हूँ। बोलो अनुष्का। सर रुक जाइए, थोड़ा लिख लेने दीजिए। अच्छा लिख लो,
ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में थोड़ा सा आइडिया देता हूं इनके बैंड्स के बारे में। देखो जो वैलेंस बैंड है वो कैसे बनता है। सो वैलेंस बैंड कुछ अलग चीज नहीं है, लिखवा नहीं रहा, जरूरत नहीं है इनकी, कोई काम नहीं आने वाला, बस समझ लो इस चीज को। आपको क्लास 12th में एक चीज पढ़ाई गई थी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो वहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, दैट वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो एक ग्रुप है, मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपने मिला दिया। सो बहुत सारी चीजें, जब ऐसे सोचो ना कि बहुत सारे लाइंस जो है अगर वो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक चौड़ी पट्टी टाइप की बन जाती है। बहुत सारे लाइंस, पतले पतले लाइंस मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक चौड़ी पट्टी टाइप बन जाएगी, इस टाइप मान लो कुछ, ठीक है। सो ऐसा एक लाइन है, एक ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, बहुत सारे लाइंस मान लो मिलेंगे तो क्या होगा, एक चौड़ी टाइप पट्टी बन जाएगी। सो बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स थे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और उन ग्रुप के वजह से जो चौड़ी पट्टी बनती है उसी चीज को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। कोई काम का नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ध्यान रखना कि जो चौड़ी टाइप पट्टी बनी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। एक चीज और कि मेटल्स में ये जो कंडक्टिविटी आती है, ये तो समझ में आ गया कि जो गैप है बहुत छोटा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो कहीं कंडक्टिविटी होगी। सो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी आती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब क्या हुआ कि मेटल एटम के जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। सो ये मेटल में खास करके ध्यान रखिएगा कि मेटल में जो कंडक्टिविटी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, क्योंकि वो आसानी से मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उनकी आयनाइज एनर्जी कम होती है, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो मेटल्स के लिए ये चीज, बस मेटल्स के लिए और किसी के लिए नहीं लिखवा रहा, बस मेटल्स के लिए लिख लेना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। और इस पॉइंट को देख लो, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम। पर एटम तो ऑब्वियस हम एटम के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इसकी कहानी डिपेंड करती है। दूसरी चीज कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो होता क्या है कि वहां पे भी क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल वहां इन्वॉल्व होगा, वो क्या करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके वजह से क्या हमको बन के मिल जाता है, जो उनके जो ऐसे बोलो कि उनका ग्रुप है उसकी वजह से हमको क्या मिल जाता है, बैंड मिल जाता है। तो क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच आर सो क्लोज टू एनर्जी टू ईच अदर एज फॉर्म बैंड, मतलब वो इतने एक दूसरे के करीब इतने होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि वो सारे मिलके क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल आस पास में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, कभी पूछ सकता है तो इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो फटाफट से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल लिखो और ये दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो जल्दी से, और कोई चीज समझ नहीं आई तो फटाफट से पूछो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट ऊपर वाले में है कि भैया कंडक्टिविटी नंबर ऑफ वैलेंस बॉन्ड, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, किसकी, मेटल की। छापो फटाफट से। आई गेस लिख लिया होगे, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज थोड़े बहुत आते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, एक छोटी सी चीज है जो अपने को पढ़ना है, ठीक है।
अब सेमीकंडक्टर के बारे में क्या चीज है जो अपने को थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बट ठीक है एनसीईआरटी ने बोला है तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, अच्छा सेमीकंडक्टर्स पता है हमको क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि सेमीकंडक्टर जो एक्चुअल सेमीकंडक्टर जो हमको सिर्फ सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। सो करते क्या है ना कि इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि इनकी कंडक्टिविटी को हम जितना चाहते हैं उतना मिल पाए, ठीक है। सो हम जितना चाहते हैं उतना मिल पाए उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें मिलाते हैं, कुछ इसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। और जो ये इम्प्योरिटी मिलाने का जो तरीका है, ये जो इम्प्योरिटी मिलाने का जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। सो भैया होता क्या है, मैं पॉइंट बना के लिखते जा रहा हूं, दे डजंट हैव कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितना रिक्वायरमेंट है वैसी इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है। सो करते क्या है, सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको करने के लिए हम उसको डोपिंग करते हैं, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट है, दैट इज डोपिंग का डेफिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बस ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, यही सिर्फ डोपिंग की वजह से। In this method, some impurities are added to semiconductor to get conductivity according to requirement। जैसी requirement है उसके according हम conductivity लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी लेने के लिए हम क्या करते हैं कि डोपिंग करते हैं, कुछ उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। अब याद रखना है एक चीज की इम्प्योरिटी हमेशा खराब नहीं होती, अच्छी भी होती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है अपने को। सो हम उसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं। अब किस तरह की इम्प्योरिटी डालते हैं, तो मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। सो मेनली दो तरह की इम्प्योरिटीज डाली जाती है और उसकी वजह से दो तरह के अपने पास सेमी कंडक्टर मिलके बनते हैं, ठीक है। सो अपने को मेनली two types of impurities are added, दो तरह के impurities mainly add किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरह के impurities, ठीक है। सो भैया दो तरह के impurities मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दो, elements of 15th group या एलिमेंट ऑफ 13th group, ठीक है। तो 15th या 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करते हैं, लेकिन किसके साथ मिक्स करते हैं हमको तो पता ही नहीं है अभी तक कि भैया सेमीकंडक्टर होता है, कौन कौन सी चीजें जो सेमीकंडक्टर होती है, ठीक है। सो देखो जो मेटलॉइड वाली कैटेगरी है, दैट इज अ सेमीकंडक्टर काइंड ऑफ, तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखना है तो यहाँ पे एग्जांपल मैं ऊपर में लिख देता हूँ, एग्जांपल दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सो करते क्या है कि इसमें या तो ग्रुप 15 का या तो ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके, ठीक है।
अब कौन कौन से एलिमेंट मिक्स होते हैं, क्या होते हैं, तो अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन हाँ अपन करते क्या है कि 15 और 13 वाले को मिक्स करते हैं। अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो इसकी वजह से दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। सो जब 15th वाले को मिक्स किया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर मिलता है, उस सेमीकंडक्टर को इंप्यूरिटी डालने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो यहां से जो मिला इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहां जो ग्रुप 13 वाले को मिक्स करने के वजह से मिला इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो ग्रुप 15 के वजह से मिला तो एन टाइप, ग्रुप 13 के वजह से मिला तो पी टाइप, ठीक है। और सिलिकॉन हमको पता है कि ग्रुप 14 में आता है, कार्बन के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। सो जो 14th वाला है उसको दोस्त के साथ मिक्स करना है, या तो 13 के साथ या तो 15 के साथ, या तो पहले वाले के साथ या तो बाद वाले के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से एलिमेंट है जो मिक्स किए जा सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 15 का आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे हैं एलिमेंट जिसको मिक्स किया जा सकता है, फॉस्फोरस है, ठीक है। सो इनको मिक्स करके बनाया जा सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर भैया किसको मिक्स करके बनाया जा सकता है, बोरोन है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं बट ठीक है चलेगा, लेकिन उतना यूज नहीं किया जाता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ठीक है। सो इनका यूज किया जाता है तो अपने पास क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बस अपने को दो चीजें जो क्या क्या ध्यान रखनी है इस पूरे कहानी में उस पर फोकस करते हैं। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास नहीं होने दे, एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक। हमको जो सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकल यूज के लिए चाहिए उसकी जो कंडक्टिविटी चाहिए वो उतनी नहीं होती है जितना वो नेचुरली हमको मिलते हैं उसमें, मतलब हमें थोड़ी कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें जो कंडक्टिविटी चाहिए वो थोड़ी ज्यादा चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में मिलता है कंडक्टिविटी वो उतना नहीं होता। कहाँ यूज होते हैं भैया, फोन्स में, लैपटॉप्स में हमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, और अलग अलग केस में अलग अलग कंडक्टिविटी भी चाहिए। सिलिकॉन तो भैया अलग अलग देगा नहीं, वो तो एक ही कंडक्टिविटी देगा। तो हमने क्या किया कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाली, उस इम्प्योरिटी की वजह से ना उसकी कंडक्टिविटी बदलने लगी, ठीक है। सो उस इम्प्योरिटी की वजह से उसकी कंडक्टिविटी बदलने लगी, तो दो तरह की इम्प्योरिटीज डाल सकते थे, या तो सिलिकॉन है दैट इज 14th ग्रुप का, तो या तो उसके आगे के ग्रुप का कोई एलिमेंट डालो या उसके पीछे ग्रुप का कोई एलिमेंट डालो, ठीक है। आगे के ग्रुप का डालोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, पीछे वाले का डालोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, आगे वाला इज एन टाइप, पीछे वाला इज पी टाइप। फिजिक्स में पढ़ोगे तो और भी बताया जाएगा कि एन टाइप है तो उसमें जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, पी टाइप में जो कंडक्शन है वो होल्स की वजह से होता है, बट ठीक है, जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो डेप्थ में बताया जाएगा। अच्छा, जो ये इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस है, जो इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी डालना ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने हिसाब से हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। अब बात आता है लास्ट थिंग, भैया सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ है, भर के यूज है। जितने इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जानते हो हर चीज में सेमीकंडक्टर है, चाहे तुम्हारा फोन हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, पिन टैब हो, टैब हो, एलईडी लाइट्स हो, डायोड्स हो, ठीक है। ये जितनी चीजें हैं इन सारी चीजों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग है। चलो, सो सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिख दिया, बहुत बड़ा सेक्शन इसमें आ चुका है। डायोड्स, अब ये डायोड्स क्या होते हैं आपको नहीं पता, ठीक है, थोड़ा बहुत किसी को पता होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा डायोड्स, ठीक है। सोलर सेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एग्जांपल लिखना है, लिख सकते हो यार, मैं नीचे लिख देता हूं, मोबाइल,
कैमरा, और जो लिखना है लिख लो, ठीक है। सो जितने भी अपने पास ये चीजें होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। फटाफट से छापो, किसी को कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछो कि भैया हमको ये चीज समझ नहीं आया, जल्दी से। डोपिंग क्या होता है, डेफिनेशन याद रखना। दो टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप, याद रखना। पी टाइप देखो ऐसे याद रख सकते हो, पी टाइप प्रीवियस वाला, मतलब सिलिकन जो है, अच्छा सिलिकन जो है सिलिकन वाले ग्रुप से प्रीवियस वाले को मिलाना है, मतलब किसको मिलाना है, किसको मिलाना है, जस्ट प्रीवियस वाले में कौन कौन होता है भैया, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये सारे हैं। एन टाइप का मतलब हुआ नेक्स्ट वाला, एन एन मतलब नेक्स्ट, अच्छा 14 से नेक्स्ट वाला, मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस, इनको मिलाना है, ठीक है। चलो छापो फटाफट से, पी मतलब प्रीवियस, एन मतलब नेक्स्ट, ठीक है। हो गया, चल लिख लिया क्या सबने, कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये लास्ट टॉपिक है अपना। अब बात आती है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता क्यों है किसी भी सॉलिड में। तो भैया हमको एक चीज तो पता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, तो हमको एक चीज पता है कि चार्ज अगर एक जगह स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। लेकिन चार्ज जब मूव करने लगता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेट से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी वो दिखाने लगता है, ठीक है। सो चार्ज जब तक खड़ा था तब तक सिंपल है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चार्ज जब मूव करने लगा तो मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि भैया यहाँ कहाँ सॉलिड में चार्ज मूव कर रहा है, अच्छा सॉलिड में चार्ज तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये भूल गए कि भैया एटम में इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूमता है ना, अच्छा वो गोल गोल तो छोड़ दो, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है, सो इसके पास रोटेशन भी है और रिवॉल्यूशन भी है। तो भैया जब चार्ज घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या उसके वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी? आएगी। सो बेसिकली होता क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके वजह से आती है, तो दो चीजों की वजह से आती है, एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और दूसरा कि अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। सो बेसिकली दो चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, दैट इज कि ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, और दूसरी चीज है कि भैया अपने खुद के एक्सिस पे घूमता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। अब किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो सब में एक जैसी नहीं होती है, सब में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम मेनली दो पे फोकस रखते हैं, लेकिन अभी जितने भी टाइप्स हैं, चूंकि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसी और चैप्टर में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम दो ही तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे। अगर याद करोगे तो एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में हम बात किया करते थे पैरा मैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक, थोड़ा सा अगर याद करोगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आएगा कि हाँ पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक हम पढ़ते थे। हम बोलते थे कि पैरा मैग्नेटिक वो है जो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, डाई मैग्नेटिक वो है जो अट्रैक्ट नहीं होगा, बेसिकली थोड़ा रिपल्सन ही होता है उसमें, ठीक है। सो ये दो तरह की प्रॉपर्टी हमने मैग्नेट वाली पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअल में दो नहीं होते, एक्चुअल में पांच तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन और सब उतने यूज के नहीं है, यही दो यूज के, इसलिए इन दोनों के बारे में यूजुअली डिस्कशंस अदर चैप्टर्स में होते हैं। सो कौन से पांच तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो दैट इज पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक जिसको हम जानते हैं, अदर इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक,
तो तीन और तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये तीन होती है, दैट इज फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। तो बेसिकली पांच तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आराम से लिखने का टाइम दूंगा। अब इन पांचों के लिए अलग अलग बताने के बजाय मैंने एक जगह अरेंज किया है, वहीं से इन पांचों को अपन कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं और इन सब के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। डाइमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट के प्रेजेंस में थोड़ा सा रिपल्सन दिखाता है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज हैविंग अ डाइमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उस चीज के पास क्या है? डाइमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये आएगा कब? ठीक है, रिपेल्ड वीकली इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये आएगा कब? जब सारे के सारे सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। पेयर्ड होने से क्या होगा? पेयर्ड होने से होगा क्या कि मान लो एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूम रहा है, सो दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ वो कैंसिल हो गया। एक ने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देने की कोशिश की, दूसरे ने नीचे देने की कोशिश की, कैंसिल हो गया। ऐसे समझ लो तुमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव भी रख दिया, नेगेटिव भी रख दिया। अब कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा भैया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट और सेम अमाउंट का है। सेम पॉइंट सेम अमाउंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, सेम पॉइंट सेम अमाउंट, तो हम बोल सकते हैं कि उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, डाइपोल मत समझ लेना। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये पेयर्ड है, इनके वजह से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती। एग्जांपल के तौर पे NaCl, TiO2, V2O5, ठीक है। कहाँ यूज किए जाते हैं? तो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स जो मेनली होते हैं वो मैग्नेटिक, वो ऐसी चीजें होती है जो डाई मैग्नेटिक नेचर दिखाए। क्यों? क्योंकि अगर वो मैग्नेटिक नेचर दिखाने लगा और अगर वहां पे करंट पास कराए वो भी मैग्नेटिक नेचर दिखाने लगा, फिर तो खेल हो गया, जिसने छुआ उसका खेल खत्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। सो इस वजह से हम कहते हैं कि भैया डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का इंसुलेटर बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होता है ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद करो कि हम पहले पढ़ा करते थे कि अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो हम बोलते थे कि वो डाई मैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता था तो हम बोलते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के VACPR को भी याद करोगे तो ये याद आ जाएगा, पैरा और डाया। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है अपने पास? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्या होता है? सो ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, वीक अट्रैक्शन होता है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। एक एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट था O2, ऑक्सीजन, जिसके वजह से MOT को लाना पड़ गया कि O2 इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं होने का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा। मतलब तुम सोचोगे कि अच्छा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये अट्रैक्ट करेगा, तो किसी तुम आयरन के पास लेके जाओगे, बोलोगे चल अट्रैक्ट कर ले, नहीं होगा। मतलब उसमें परमानेंट मैग्नेटिक नेचर नहीं आएगा। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेटिक नेचर है, वो कोई भी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने वाली चीज उसके पास जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तभी अट्रैक्ट होगा जब उसके पास कोई मैग्नेट लेके आ जाए, लेकिन वो किसी दूसरे पैरामैग्नेटिक के साथ अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे O2, VO, CuO, TiO, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के काम आते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं? तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडम ऑर्डर में अरेंज हैं। मतलब एक इधर है घुमा, एक इधर है घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा। तो इन सारे का अगर तुमने वेक्टर सम कर दिया तो दिखेगा कि भैया ये जीरो तो नहीं आ रहा वेक्टर सम। मतलब इनके वजह से क्या होगा? अच्छा खासा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल टेम्पररली ये मैग्नेटाइज हो सकता है, बट परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं होगा। थोड़े देर के लिए मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज नहीं होता तो अट्रैक्ट थोड़ी होता, मैग्नेटाइज होता भी तो अट्रैक्ट हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिक। देखो ये फेरोमैग्नेटिक जो है ना ये सबसे जबरदस्त है। आयरन जो होता है दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक का एक अपर वर्जन। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो अरेंज्ड है ना उनको एक खास ऑर्डर में अरेंज्ड है। फायदा क्या हुआ? इसको बोलते हैं डोमेन जो ये बनाया हुआ है। अब उसका फायदा ये हुआ कि जब सारे के सारे खास ऑर्डर में अरेंज हैं तो इनके वजह से एक मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट।
ठीक है। सो इनके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इनके वजह से जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। सोच के देखो कि ये सारे वेक्टर हैं, बस आंख बंद करके सोचो कि वेक्टर्स हैं। अब इन सारे वेक्टर का जो सम आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, और उसके वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो भयानक वाली आएगी, जबरदस्त वाली आएगी, जबरदस्त तरीके का मैग्नेट होगा। और इसको क्या देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एफी, फेरस, कोबाल्ट, निकल हमको पता है, आयरन मैग्नेट के पास जाते हैं जोर से चिपक जाता है, ठीक है। सो इन सब के पास ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जहां जाएंगे जाके वहां पे क्या हो जाएंगे, जोर से एकदम चिपक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भैया ऐसे सॉलिड्स को परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब ऐसा है कि आयरन को अगर आप चाहो तो उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैग्नेट में अट्रैक्ट हो रहा है और फिर दूसरे आयरन के पास ले गए, आयरन के पास ले गए तो मैग्नेट अट्रैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन किसी एक आयरन को आप परमानेंट मैग्नेट जैसा भी बनाया जा सकता है, इनमें परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। इस नीचे वाली चीज को मत लिखना क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, ये क्यूरी पॉइंट, ठीक है, ये फिजिक्स में भी अब तो नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो इस चीज को हटा देना, ठीक है, इस चीज को हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, दैट इज इसका एग्जांपल देख लिया, कहाँ यूज होता है भैया। सो हमको पता है कि देखो जो मैग्नेट जो आपके मतलब ऑडियोज में, जो भी स्पीकर्स में मैग्नेट यूज होता है, दैट इज CrO2। CrO2 क्या एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो CrO2 को हम बहुत सारे ऑडियोज वाले जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो फेरोमैग्नेटिक वो हुआ जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अल्टीमेट है, भर के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक कहानी ऐसी है कि इसमें जो ये अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर ऑर्डर में है, रैंडम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ऐसी कहानी हुई कि चार वेक्टर अगर ऊपर में है तो चार वेक्टर नीचे में भी है। रिजल्ट क्या हुआ इसका, रिजल्ट ये हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक का कि अरेंजमेंट सब अच्छा खासा है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ वेक्टर सम आ गया वो जीरो हो गया, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ना ही ये अट्रैक्ट होगा, ना ही ये रिपेल होगा, इसमें कोई भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। डाईमैग्नेटिक थोड़ा रिपेल होता है, और ये क्या है, बिल्कुल ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा। तो क्या बोलता है, इन दिस सॉलिड्स इलेक्ट्रॉन अलाइन देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये एरो मैग्नेटिक मोमेंट ही दिखा रहा। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट आपको कोई मतलब नहीं, फिजिक्स में पढ़ोगे, बस इतना समझ लो कि एरो जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है। सो कुछ खास तरह के एलिमेंट्स, अब ये ससेप्टेबिलिटी भी आपको नहीं पता, ससेप्टेबिलिटी आपको पढ़ना है, जब आगे जाओगे ग्राफ पढ़ोगे, क्यूरी पॉइंट पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा, हटा दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या है, सो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोमेन। इलेक्ट्रॉन डोमेन का मतलब ये वाली जो चीज है ना, इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोमेन। तुम चाहो तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते थे जो बोला अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रॉन डोमेन बात बराबर है, मैं यहाँ थोड़ा सा करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। So, कहता क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट इन द सबस्टांस आर अलाइंड इन अ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। ओके, मतलब यहाँ पे भी अलाइनमेंट है बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था, एक खास ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर में समस्या बस इतनी है कि दोनों में जो क्या है ना कि जो अलाइनमेंट है तो वो नंबर बराबर नहीं है। जैसे एंटी फेरो में 10 ऊपर तो 10 नीचे, इसमें क्या कहानी है, इसमें कहानी कुछ इस तरीके की है कि भैया अगर मान लो कि ये अलाइनमेंट में बना रहा हूं, देखो यहां ध्यान दो, 2, 3 तो ये एक नीचे हो गया 4, फिर मान लो एक ऊपर हो गया ये 5, तो अब ये नीचे हो गया ये कुछ ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। तो अब इसमें कहानी क्या है, आपको दिख रही है कि अलाइनमेंट तो है लेकिन 3 और 1 4, 4 ऊपर में और 3 नीचे में, मतलब अनइक्वल नंबर है। अलाइनमेंट है लेकिन अनइक्वल नंबर है, नंबर बराबर नहीं है। सो इस तरह का अगर आपको कोई सब्सटेंस दिखा जिसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रॉन डोमेन जो है इस तरीके से अरेंज है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ फेरी मैग्नेटिक। अब पूछा कि बताओ ये अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, वेक्टर सम करके देखो इसका,
जीरो तो नहीं आएगा, कुछ कम ही आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, मतलब ये भी क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो ये सारी कहानी हो गई इन सारे जितने भी अपने पास मटेरियल्स मिलते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। फटाफट से छापो, रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना, छापो, कोई चीज अगर समझने वाली नहीं समझ में आई तो पूछ लो, बाकी फटाफट से इसको छापो, ठीक है। तो मैं पीछे कर दे रहा हूँ, पहले पीछे वाला छापो फिर इसको छापना, शुरू हो जाओ, छापो पहले इसको, और जिसको जो चीज समझ नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ लो। रट्टा मारना है यार, मतलब वो तो मारना है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। भूत पकड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो निगेटिव एनर्जी कैच करते हैं, बट मेरे पास तक समझ नहीं आया वो कैसे क्या होता है उसमें, मतलब एक्चुअल में वो निगेटिव एनर्जी ना वो रेडिएशन से कैच करते हैं, रेडिएशन को वो किसी तरह से ट्रेस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उनकी जो कांटा होता है वो चल रहा होता है। छापो फटाफट से, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अच्छा सडन चेंज ये भी होता है क्या, उल्टा में भी, रेडिएशन में तो ये भी आ ही जाएगा ना, मान लो अपने पास फोटोन के रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो आ ही गया मैग्नेटिक। जाके ट्राई करना, चलो ठीक है। तो आई गेस इसको छाप लिए सबने, कोई बचा हुआ है इसको छापना, बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलो अब इसको बनाओ, टाइम टेकिंग है, आराम से बनाओ, मैंने जूम कर दिया, आराम से एक एक करके छापो। बेटर है कि ये ऐसे मत बनाओ, मतलब ये जैसे ये बना हुआ है उस तरीके से नहीं बनाओ, एक एक का नाम लिखते जाओ, डायमैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टी लिखो, अलाइनमेंट बनाना है, एग्जाम्पल लिखना, एप्लीकेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, एप्लीकेशन कोई खास काम का नहीं है, ठीक है, बट एग्जाम्पल तक लिखो। सो एक एक करके सबके लिखते जाओ, डायमैग्नेटिक, फिर पैरा, फिर फेरो, ठीक है। डेफिनेशन है दिव्यांशु, डेफिनेशन है वो, ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज डेफिनेशन, इसको लो, इसको जगह डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेगा, बट डेफिनेशन प्रॉपर्टी जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, डेफिनेशन की जगह चलेगा, सेम चीज है ना, सेम आएगा दोनों, प्रॉपर्टी भी वही होगी, डेफिनेशन भी वही होगा, मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कि भैया बताइए इसमें इसमें अलाइनमेंट कैसा रहेगा, इसमें वेक्टर सम क्या आएगा, सबसे पहले वाले में वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो, डायमैग्नेटिक है, वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो, दूसरे वाले में कुछ तो आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आएगा, तीसरे वाले में बहुत ज्यादा आएगा, चौथे वाले में जीरो आएगा, पांचवे वाले में कुछ तो आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पता, परेशान नहीं होना कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैसा है, ये क्या एरो है, नहीं परेशान होना, क्योंकि आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आएगा फिजिक्स में, बहुत डिटेल्स में आएगा।
एग्जाम्पल है इसका Fe3O4, MgFe2O4। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खास करके ऐसे तो कम ही, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम्पल्स लेके पूछता है बहुत ज्यादा। और इसमें कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, दो ही चीज है, इलेक्ट्रॉन डोमेन कैसे अरेंज है और एग्जाम्पल्स कि भैया ये बताओ ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक और एनसीईआरटी वाले, ठीक है। इसको छाप लो और अच्छे से ध्यान रखना एग्जाम्पल्स। डन है, चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कि भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसा होता है, और इसी के साथ इस चैप्टर का द एंड होता है, ठीक है। देखो ये बगल में थोड़ा अच्छे से ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला थोड़ा बस अच्छे से बना हुआ है, बाकी कुछ कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसमें भी फेरी मैग्नेटिक का नहीं है, फेरो एंटी सॉरी फेरी मैग्नेटिक का कोई एंटी कौन सा नहीं है, अच्छा डायमैग्नेटिक नहीं है इसमें, ठीक है। सो ठीक है, ये डायग्राम है उन सब का, इलेक्ट्रॉन डोमेन का, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको बना लो, अलग से भी इसको बना लो, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोमेन, इलेक्ट्रॉन डोमेन ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, नहीं है, क्या चीज है, कितने, मतलब ये सब चीज आपको फिजिक्स में आएगा, तो इसको बना लेना, ठीक है। या फिर मन करे तो मैग्नेटिक अलाइनमेंट के जगह पे स्लैश देकर डोमेन भी लिख लोगे तो काम चल जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो अलाइनमेंट लिखा हुआ है इसके जगह डोमेन लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन लिख लेना, बाकी इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बना ही हो, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई, ठीक है, सॉलिड स्टेट पूरे चैप्टर की, भैया आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था सारी चीज। ए भाई क्या हो रहा है यार, जस्ट एक मिनट, ठीक है। सो इस चैप्टर में जितनी चीजें पढ़नी थी, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है फॉस्फोरस आर्सेनिक, इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ग्रुप 15 वाला, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में आपको जितना टॉपिक पढ़ना था, जो जो चीजें पढ़नी थी, वो चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आप इनके क्वेश्चंस लगा लो, मॉड्यूल से लगा रहे हो तो मॉड्यूल से लगा लो, एनसीईआरटी लगा रहे हो तो एनसीईआरटी से लगा लो। आई रिकमेंड कि पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लो, एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट सारे क्वेश्चंस लगा लो। और मैं सोचा था कि आज सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, बट अब मेरे को नहीं लग रहा है कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने का सही टाइम बचा हुआ है, ठीक है। सो अगले क्लास में अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन को पढ़ के आना और इसके क्वेश्चंस लगा लेना, जो डाउट होगा वो डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास में किसी दिन, हाँ दोनों सॉल्व कर लिए डाउट भी, ठीक है। सो डाउट के लिए अपन एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, ठीक है, संडे तक तो नहीं, संडे तक आपके पास टाइम है सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी का डाउट सेशन होगा। मॉड्यूल के लिए अगर मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो आप लोगों का और सेकेंड बैच का दोनों का साथ ही होगा डीएसएस, ठीक है, मॉड्यूल जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के लिए भी देखते हैं, तो एनसीईआरटी या इसका जो भी डाउट सेशन होगा वो संडे के बाद ही होगा या संडे के दिन हो सकता है, तो सैटरडे तक आपके पास टाइम है सॉल्व कर लो। मैसेज आपको मिल जाएगा कि आज या कल या परसों जो भी डाउट सेशन होगा ज्वाइन कर लेना, जो भी डाउट्स है पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। चलो सो यहां तक आपके पास ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी अभी किसी कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चैप्टर खत्म हो चुका है, सॉल्यूशन अब स्टार्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 10 मिनट में अपन ज्यादा क्या ही पढ़ेंगे, बट ठीक है, किसी को कोई चीज बचा हुआ है, कोई चीज टॉपिक समझ नहीं आया है तो फटाफट से पूछ लो, कहीं पे कोई चीज जादू हो गया हो, लग रहा हो कि समझ नहीं आया, पता नहीं चला आपने, एक बार ब्रैक्स इक्वेशन क्या होता है दीक्षा, ब्रैक्स इक्वेशन आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा मेनली वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, मैं बता दूंगा क्वेश्चंस होंगे अगर ब्रैक्स, इसमें सुबह में बोल रहे थे बच्चे कि मॉड्यूल में क्वेश्चन है ब्रैक्स इक्वेशन के, ठीक है, तो मैं बता दूंगा जब डाउट लाओगे उस समय बता दूंगा ब्रैक्स इक्वेशन क्या है, बाकी वो फिजिक्स में आता है। नेक्स्ट डीडी साइन थीटा, हाँ एग्जैक्टली वही,
पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर एक बार फिर से अनिमेश ध्यान से सुनो, सिलिकन लिया, सिलिकन में अगर मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया दैट इज अ पी टाइप सेमी सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिलिकन में कौन सा ऐड किया, सिलिकन इज अ 14th ग्रुप सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर 15th ग्रुप का कोई भी चीज ऐड किया तो वो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट वाला ऐड किया। अगर सिलिकन में मैंने ऐड कर दिया फॉर अ टाइमिंग मान लो कि बोरोन ऐड कर दिया दैट इज अ 13th ग्रुप, तो उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सिलिकन जो है दैट इज अ प्योर कंडक्टर, डन है। मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। दीक्षा अभी नहीं, उसी दिन बात करेंगे, ठीक है, डन है, चलो ठीक है। सो आई गेस सबकी समस्याएं डन है, तो आज अपना चैप्टर द एंड हो चुका है, किसी के कोई डाउट्स नहीं है। अगले क्लास में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी के साथ आज की सभा को हम यहीं पे विराम लगाते हैं, ठीक है, बाय बाय।